जो कोलेस्ट्रॉल को लो करने की और सारी दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। जबकि हार्ट की प्रॉब्लम लो हाई कोलेस्ट्रॉल से नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम तो यह है कि उसको प्रॉपर जो फैटी एसिड्स हैं वो नहीं मिल रहे बॉडी में। क्या मार्केट में जितने भी डब्बा बंद घी है किसी भी कंपनी के हो, कितना भी बड़ा नाम हो, क्या वो सेहत के लिए अच्छे हैं? अभी हम लोग जो मर रहे हैं ना, फैट डिफिशियंसी से मर रहे हैं। ओके। हमारी इम्यूनिटी जो है फैट डिफिशियंसी की वजह से हो गई है। सर, क्या कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? यस। किस तरह से? मैंने अपने बाबा दादा नाना को देखा, वो खूब सारा घी खाते थे, और अब भी आप पहाड़ वगैरह में जाओ तो जो थाली रखी रहती है उसमें जो कटोरियों में सब्जी होती है उसमें एक कटोरी में अलग से घी रखा रहता है, वो यूं पी जाते हैं। उन्हें कभी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत? कोलेस्ट्रॉल देखिए, कोलेस्ट्रॉल तो सबसे बड़ी बात है, कोई बीमारी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर विजय वर्मा जी से बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। वैसे तो सर के साथ हमने इससे पहली वीडियो डायबिटीज पे बनाई थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, भले हम एक बीमारी के लिए कर रहे हों लेकिन इसके साथ साथ हमारी दूसरी बीमारियाँ भी कंट्रोल होने लगती है और उसमें भी हमें लाभ मिलने लगता है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानेंगे जिसको लेकर लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स रहती है और हमें पता ही नहीं होता हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, और हम काफ़ी परेशान रहते हैं। तो सर आपको मेरा प्रणाम। आपको प्रणाम। तो सर, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है वास्तव में? क्योंकि लोगों को ना कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत भ्रांतियाँ भी है और समझ नहीं आता कैसे कंट्रोल करें, क्या खाए क्या ना खाए। तो कोलेस्ट्रॉल कैसे ठीक करें या क्या क्या खाना चाहिए, उससे पहले आप बताइए कि वास्तव में कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल का जो एक बहुत बड़ा डर बैठ गया। हाँ। क्या डर बैठ गया कि साहब कोलेस्ट्रॉल वैसे फैट होता, फैट जी जो हम खाने में खाते हैं, हम तीन तरह की चीज़ें खाते हैं हमेशा, हर जगह खाने में तीन जगह की बताई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और मिनरल विटामिन्स। मिनरल विटामिन्स आपकी सब्जी वब्जी में हो गई, जो जितने विटामिन्स हैं फ्रूट्स वगैरह में हो गए। तो जब हम तीन चीज़ें, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह सकते हैं, वो मैं बाद में बता दूँ, तो फैट जो है वो, उसको आयुर्वेद में स्नेह भी कहा है, स्नेह मतलब जोड़ने वाला। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैट का एक छोटा सा हिस्सा है। अब वो हिस्सा हमारी बॉडी में मिलता है हमें ब्लड के अंदर, जिसको हमारे साइंटिस्ट ने निकाला कि साहब इसको नाम दे दिया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ठीक। अब वो फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? जब फैट को हम टुकड़े करते हैं तो उसके फैटी एसिड्स बन जाते हैं कई सारे, जैसे प्रोटीन के टुकड़े करते हैं उसका एक घटक होता है अमाइनो एसिड्स होते हैं, कई तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, इस तरह कई तरह के फैटी एसिड्स होते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल भी आ गया, गुड कोलेस्ट्रॉल भी आ गया। अब हम देख कहते हैं कि 250 कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया तो आपको हार्ट डिजीज हो जाएगी, ये जो है ना बड़ा मिसकंसेप्शन आज की डेट में हो गया है। और जो USFDA है, USDA जो USA का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, और उन लोगों ने कहा है कि फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और रिकमेंडेशन की है कि अप टू 2500 कैलोरीज जिसको रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए, उन लोगों को होती है जो मेहनत करते हैं, दिन भर काम करते हैं। हाँ। तो उनको कम से कम 97 ग्राम फैट जरूरत है। अच्छा, जो मेहनत करते हैं, एक्सरसाइजेज ये सब हाँ, करते हैं, और जो सिडेंट्री लाइफ है जैसे हम लोग बैठे रहते हैं, उनको कम से कम 60 ग्राम की फैट की जरूरत है। अच्छा, जो मतलब ऑफिस जाने वाले रोज हाँ, पूरे दिन बैठने का काम होता है। अब 60 ग्राम अगर मान के चलें तो 60 ग्राम में चम्मच कितनी आएगी? 60 ग्राम में 10 ग्राम के अंदर दो चम्मच। हाँ। तो 12 चम्मच ही। क्या आप 12 चम्मच खाते हो फैट? शायद नहीं। कितने लोग 12 चम्मच फैट खाते हैं जो घर में रहते हैं? नहीं खाते। अभी हम लोग जो मर रहे हैं ना, फैट डिफिशियंसी से मर रहे हैं। ओके। हमारी इम्यूनिटी जो है फैट डिफिशियंसी की वजह से हो गई है, और हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि फैट बंद कर दो, सूखा खाना खाओ, घी मत खाओ। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले लोग बहुत फैट खाते थे। हाँ। मैंने अपने बाबा दादा नाना को देखा, वो खूब सारा घी खाते थे,
और अब भी आप पहाड़ वगैरह में जाओ तो जो थाली रखी रहती है उसमें जो कटोरियों में सब्जी होती है उसमें एक कटोरी में अलग से घी रखा रहता है, वो यूं पी जाते हैं। उन्हें कभी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं? कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, कुछ नहीं। हाँ। और जो फैट है, जो घी है, वो बहुत ही ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी मैंने पिछली बार भी बताया कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, हमारे शरीर में आग लगना। आग लगना क्या होता है कि हमारे शरीर में जगह जगह जॉइंट्स पेन हो गए, हम मस्कुलर पेन हो गए, हमारी हार्ट के अंदर की जो आर्टरीज हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, तभी तो भैया ये कोलेस्ट्रॉल जमता है उसके ऊपर, जिसको आप कहते हो कि ये स्टेंट डाल दो अब इसको ब्लॉक हो गया, ये हो गया, ये क्या है, या ब्रेन के अंदर हो गया, या हमारी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स जो होती है, हमारी कैपिलरीज जो होती हैं उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग ऐसी चिकनी होनी चाहिए जैसे सीप, सीप आपने देखा होगा, उसके अंदर की लाइनिंग कितनी चिकनी होती है, लेकिन उसका उसमें एक जरा सा एक कीटाणु या फॉरेन बॉडी अगर आ जाए जहाँ किरकिर हो तो उसके ऊपर वो सीप एक सिक्रेशन डाल देती है और वह मोती बन जाता है। ये सिक्रेशन ही एक तरह का क्या है कि जब हमारी अंदर की आर्टरी कहीं से खुरच गई, रफ हो गई, उसमें फैट की मात्रा कम हो गई तो वहाँ पे ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे ये फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, वो कहेंगे प्लेक, प्लेक बन गया, प्लेक इसे कहते हैं, प्लेक बन गया, और इसको फिर या तो निकालो या वो आर्टरी छोड़े, क्योंकि जब यहाँ कुछ जमा हो गया आर्टरी आर्टरी के अंदर पाइप में तो उसकी नैरो हो गई, नैरो हो गई तो ब्लड सप्लाई कम हो गई तो हार्ट की प्रॉब्लम। जबकि हार्ट की प्रॉब्लम लो हाई कोलेस्ट्रॉल से नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम तो यह है कि उसको प्रॉपर जो फैटी एसिड्स हैं वो नहीं मिल रहे बॉडी में, और ये इसी के कारण कोरोना में इम्यूनिटी आपने देखा गांव के लोगों को कम हुई है बीमारियां, शहर के लोगों में ज़्यादा हुई है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो फैट नहीं खा रहे। हाँ। और जो फैट कम खाते हैं सोचते हैं कि बिना वो मोटे हो जाते हैं, ये उल्टी बात है, क्यों? क्योंकि फैट की रिक्वायरमेंट वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो ग्लाइकोजन बनाता है, वो हमारे मेद को बढ़ा देता है, हम मोटे होने लगे तो वो गलत तरीके से मोटे होते हैं, जबकि फैट को खाने से आदमी पतला हो जाता है। अच्छा, एक नई आपको खबर? हाँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि फैट बढ़ गया, फैट कम करो, उनको लगता है कि फैट से आदमी मोटा हो रहा है, तो पतला होने की साइंस क्या है सर? अब हम बताते हैं कि स्नेह, जब आयुर्वेद की सिस्टम से हम सोचते हैं तब पता चलता है कि घी को जो है ना हमारे को घृत जो कहा है उसको स्नेह कहा है, स्नेह मतलब जोड़ने वाला, एक दूसरे से प्यार हो रहा है तो स्नेह हो रहा है, और इसीलिए इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया, इतना ज़रूरी समझा है कि ये कहा गया जब आप सुबह उठो रसोई में जाओ घी रखा हो तो बिना नहाए धोए घी को हाथ मत लगाना, इतना पवित्र माना गया, इतना पवित्र, इतनी इम्पोर्टेंस उसको घी को दी हुई है। यज्ञ करते हैं हम घी की आहुति देते हैं, हमारे शरीर में अग्नि चलती है, जब अग्नि मंद हो जाती है तो हम घी खिलाते हैं उसको आयुर्वेद। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं एलोपैथिक का हूँ, लेकिन ये समझ हमें आयुर्वेद ने दी है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपको बीच में टोकते हुए, क्योंकि क्या होगा जब हम घी की बात करते हैं ना तो आज के समाज में लोगों के दिमाग में वही घी आता है जो बाजार में डब्बा बंद पैकेट्स में डब्बों में मिलता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस बात को क्लियर कीजिए कि कौन सा घी खाना चाहिए, वरना लोग तो फिर कहेंगे अरे डॉक्टर साहब ने कहा था घी खाना चाहिए, बाजार जाएंगे घी लाएंगे घी खा लेंगे, तो कौन सा घी खाना चाहिए जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो? इसको ये बताता हूँ मैं, इसको बताने से पहले मैं बता दूँ बॉडी के अंदर हमारे को ये घी की ज़रूरत किस लिए है, क्योंकि इससे फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं, और हमारे जो ब्रेन है ना ये जितना भी हमारा ये नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर माइलिन शीट होती है, ये पूरा का पूरा फैट है। अच्छा, ये सब हमारे ब्रेन के अंदर फैट ही फैट है, फॉस्फोलिपिड्स माइलिन शीट है उसकी, पूरा नर्वस सिस्टम हमारा फैट से चलेगा, और नर्वस सिस्टम के बिना कुछ नहीं है, उसके बाद दूसरे टिश्यूज़ आ जाते हैं हमारे, जितने भी मस्कुलर टिश्यूज़ हैं हमारे, सेलुलर टिश्यूज़ हैं हमारी, स्किन वगैरह है, ये सब फैट से होते हैं। अब आपकी जो बात है कि हमें क्या फैट खाना चाहिए डब्बे में कैसे, अब फैट दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाँ। अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं नेचर से आते हैं, प्रकृति से आते हैं, जैसे आप नारियल का तेल ले लें, सरसों का तेल ले लें, तिल का तेल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, ये बादाम का तेल ले लें, ये तेल हमारे सीधे डायरेक्ट नेचर से आते हैं,
और देसी घी ले लें। देसी घी हमें गाय का देसी घी बहुत शुद्ध माना जाता है और तो हम लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाय भी देसी, गाय भी देसी हो, जर्सी ना हो, हाँ, जिसको A2 मिल्क से ही बना हुआ घी हो। और अगर उसकी उपलब्धता नहीं है तो कोई बात नहीं, भैंस का भेज दो। अब घी इतना ज़रूरी है क्योंकि अब हम देखेंगे कम से कम 15-20% घी हर चीज़ के अंदर होता है। हाँ। जैसे हम दूध की अगर मलाई निकाल लें तो दूध के अंदर भी करीब 15-1% घी होता है, और यही फैट की ही को ही माप के जो दूध पकड़ा जाता है कि इसमें फैट ले ये कम है, कंटेंट कितना फैट है। हाँ। तो अब जब नेचर के अंदर एक कंपोजिट हम लेंगे तो उसकी जितनी पोर्शन होता है, परसेंटेज होता है ग्रोथ का, उतना परसेंटेज हमारी बॉडी में होना चाहिए। हाँ। तभी तो हम बैलेंस रहे जी। अब उस बैलेंस को बनाने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है ये घी मत खाओ, डालडा खा लो। जब देश आज़ाद होने से पहले ही ये डालडा की जिस दिन से ये हुई थी, खोज हुई थी कि उसको हाइड्रोजनेटेड करके जो एक बना दिया था कि इस घी को रिप्लेस करने के लिए, देसी घी हमारा रिप्लेस करके डालडा पहले आया। जब से डालडा आया हमारी हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। डालडा से पहले हार्ट की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं थी। और आप ये देखिए आज की डेट में ये जो प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है कि कोलेस्ट्रॉल लो करने के चक्कर में स्टेटिंस देते हैं दवाइयाँ, जो कोलेस्ट्रॉल को लो करने की और सारी दवाइयाँ हैं, वो सारी की सारी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तरफ तो आप वो वाले हमें प्रमोट कर रहे हो रिफाइंड, एक समय में पोस्टमैन आता था कि पोस्टमैन साहब चलता रहता है, वो थकता नहीं है, और क्योंकि वही पोस्टमैन के नाम से आपने एक तेल रिफाइंड बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर आप दूसरे सारे रिफाइंड, आप जितने भी आते हैं रिफाइंड ही आते हैं, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे कुछ हो, नाम में क्या लूँगा किसी का। तो ये रिफाइंड तेल जो है ना, ये सैचुरेटेड होके हमारी बॉडी को बहुत ख़राब कर रहा है और इससे बैड कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल की, अभी कुछ साल पहले तक ये नहीं था कि बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल, ये तो जब इसमें क्वेश्चन उठने शुरू हो गए तब उन्होंने कहा कि भैया अब इसको ये कर लो कुछ तरह से कंप्रोमाइज कर लो, तो हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। तो सर क्या होते हैं बैड और गुड? बैड और गुड ऐसा होता है कि जैसे आपके पास चिल्लर भी रखी हुई है और आपके पास बंधे हुए नोट भी रखे। हाँ। तो बंधे हुए नोट तो आप जो बंधे हुए हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। हाँ। पावर ज़्यादा है, गुड तो चिल्लर में क्या है कि पावर कम है। तो जो गुड फैट होता है वो एक उसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा उसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं और वो ज़्यादा बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो कि जबकि जो लो डेंसिटी होता है उससे जो फैटी एसिड बनते हैं लो क्वालिटी के बनेंगे। हाँ। तो लो क्वालिटी मान लोगे, लो क्वालिटी का काम कराना है आपको हाई क्वालिटी का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्या हुआ, अब जब HDL हो गया, अब सब LDL किससे होता है, जब हम LDL होता है जितने रिफाइंड हम शुगर ये खाते हैं उससे LDL होता है। LDL ही बैड कोलेस्ट्रॉल है और HDL गुड है। HDL गुड है और LDL जो आता है वो आपके रिफाइंड से आता है। ओके, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो सब रिफाइंड से ज़्यादा बढ़ रहा है। और रिफाइंड के अलावा सर और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? सीधी सी बात है, जो चीज़ नेचर में एज सच आती है हमारी बॉडी में जाती है वो हमेशा बढ़िया, लेकिन जब भी उसको हम मॉडिफाइड कर देंगे, हम उसको पैकेज्ड कर देंगे, हम उसको एक रिफाइंड करने की कोशिश करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो वो हमारे शरीर को नुकसान है। मतलब नेचर से आने वाली डायरेक्ट चीज़ें जो जिसमें हम बिना प्रिजर्वेटिव के बिना केमिकल के उन्हें लोगों तक ला रहे हैं तो वो तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन जहाँ उन्होंने रिफाइंड किया, जहाँ उन्हें प्रिजर्वेटिव मिलाया तो बैड कोलेस्ट्रॉल। तो क्या मार्केट में जितने भी डब्बा बंद घी है किसी भी कंपनी के हो, कितना भी बड़ा नाम हो, क्या वो सेहत के लिए अच्छे हैं? देखिए अभी एकदम से तो कमेंट नहीं मैं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ। ये है कि आपको जो आप घर में घी निकालते हैं, हाँ, उसकी वो क्वालिटी तो हो ही नहीं सकती किसी हालत में। हाँ। है कि नहीं? और प्रिजर्वेटिव मिला के उसको ये करके अभी बहुत सारे घी पकड़े भी गए। हाँ। कौन कौन सा है कि इस तरह से गलती है, ये हो गया, तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू भी बनता है। तो उसको मैं कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड को या सबको जनरलाइज करके कहना बड़ा मुश्किल है, वो डिपेंड करता है अलग से अलग। अब ये बात होती है कि हमको कौन सा घी खाना चाहिए और कितना घी खाना चाहिए, हैं? और ये देखा मैंने कि जो घी है वो हमारे में, हम पंचकर्मा कराते हैं, पंचकर्मा में 5 कर्म होते हैं, उसमें एक स्नेहन होता है। हाँ। स्नेहन, स्नेहन का मतलब बॉडी को स्नेह करना, उसमें हम बॉडी में लगाते हैं दवाई और लाते भी हैं।
तो इसमें एक घी पिलाने वाला सिस्टम भी है। अच्छा, पंचकर्मा में एक सिस्टम है इसमें घी पिलाया जाता है। घी पिलाया जाता है, ओके। उसमें कुछ क्वांटिटी का, मध्यम क्वांटिटी का, हस्य क्वांटिटी का जो बहुत ही कम है, या उत्तम मात्रा के, या 100 ml तक एक साथ पिला देते हैं, 150 ml तक एक साथ पिलाते हैं। लेकिन हम कम मात्रा में देते हैं, 4-5 चम्मच घी डेली मॉर्निंग में खाली पेट अगर आप लेते हैं और 10-15 दिन आप लेके देखिए, एकदम से बॉडी में चेंज आ गया और आपको कमाल होगा कि आपकी वेट लॉस हो गया। ओके, घी खा के? घी खा के, लेकिन देसी घी? देसी। और लेकिन सर इसके साथ शर्तें क्या हैं? क्योंकि ठीक है, लोगों के लाइफस्टाइल आपको पता है, आजकल लोग पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें, मोमोज ये सारी चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बाहर खाते हैं, यानी एक तरह जंक फूड बहुत खा रहे हैं, तो क्या वो छोड़ना पड़ेगा? यस, उसको छोड़ना, देखिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। जब मैंने बताया था शुरू में कि तीन चीज़ें हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट बीच का है, यही सबसे खतरनाक है। हाँ, आप कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, फैट की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए, आपका वेट लूज़ हो जाएगा, आप प्रोटीन आप उतनी रखिए, आप फिट हो जाएंगे। ओके। और थायरॉइड हो आपको, डायबिटीज़ हो आपको, ब्लड प्रेशर रहता हो आप, इवन पेन होता हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी एलर्जीज हो, ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। तीन पिल, कार्बोहाइड्रेट हटा दो, फैट प्रोटीन की मात्रा जितनी ज़रूरत है बॉडी की कर लो। क्योंकि क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, अग्नि है, जब अग्नि मांद हो जाती है तो थायराइड हो जाता है। हाँ, अग्नि की कमी होगी, थायराइड में होता है ना, मोटा हो गया, सुस्त हो गया, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, डिप्रेशन होने लगा है, ठंड खूब होने लगती है, तब क्या देते हैं? थायरॉक्स। यहाँ क्या देते हैं? घी। घी यज्ञ, आपकी धुआं आने लगा अगर सामग्री में, तब हम आहुति देते हैं घी की, अग्नि तेज हो जाती है, स्वाहा। ऐसे हमारे शरीर के अंदर यज्ञ चल रहा है, एक ये अग्नि है ये जो मैं बोल रहा हूँ, बिना अग्नि से, बिना मेटाबॉलिज्म से हम बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल। ये अग्नि जब हमें सम्यक रहेगी, नॉर्मल रहेगी, तो हम आराम से सोचेंगे, आराम से हमारी सारी चीज़ें होंगी, और इस अग्नि को आप कम रखोगे तो बीमार, बढ़ जाओगे तो बीमार, तो इसको सम्यक रखना है, उसके लिए हमें देसी घी जरूरी है। ओके। घी की मात्रा बहुत जरूरी है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। हाँ, वो क्वांटिटी है, अब इन्होंने तो अपना दे दिया। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ने दे दिया कि 33% इसमें होना चाहिए, अब वो कह रहा है कि 35% कैलोरीज जो है फैट से आनी चाहिए। 35% कैलोरीज, मतलब ये है 2500 जिसको कैलोरीज की ज़रूरत है उसको 97 ग्राम चाहिए, जो मेहनत करने वाला, जो मेहनत करने वाले हैं। अब जो मेहनत करने वाला है, मजदूर है, वो क्या 100 ग्राम घी रोज मिल जाए उसको? मुश्किल है, लेकिन वो उसको तेल मिल सकता है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, हैं जो भी सस्ते वाले तेल हैं, लेकिन रिफाइंड नहीं लेना है, और तेल भी वो जिसमें प्रिजर्वेटिव ना मिले, एकदम प्योर हो। तो हमारा देश तो पहले घी से तरमतर था, चलता था, सरसों का तेल भी लोग पीते थे, तिल का तेल पीते थे। मैं कई बार सोचता हूँ कि हाँ, जो हमारा सिस्टम है, हम बद्रीनाथ में जब जाते हैं तो बद्रीनाथ की जब खुलते हैं गेट, उस गेट को खुलने से पहले मूर्ति को तिल के तेल से नहलाया जाता है। तब मुझे समझ में आया तिल के तेल की महत्व, और आयुर्वेद में तिल का तेल सबसे उत्तम तेल माना जाता है। जी, खूब सारी दवाइयाँ बनती हैं, और पूरे भारत में सभी संस्कृति में, मतलब जो साउथ में और उस सब में जो जितने भी वो सिस्टम है, उसमें तिल का तेल को बहुत महत्व होता है। सर, क्या कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का कारण बन सकता है? यस। किस तरह से? अब ये जब लो डेंसिटी आपकी हो गई LDL और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर जब बनेगा तो हमारे अंदर की इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगी, जब इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगी तो अंदर की जो आर्टरीज हैं उसका जो चिकनापन है, जी, जैसे बताया कि सीप के अंदर जैसा चिकन, वो अगर कहीं से रफ हो गया तो वहाँ ब्लड जमना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो ब्लड जमना शुरू हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। सेम क्लॉटिंग्स हो जाएंगी, थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी। ये तो जैसे चैनल ब्लॉक हो गई, चाहे वो पानी की पाइपलाइन हो, अगर अंदर से जंग लग गया, जंग लगने के बाद ज़्यादा जंग लग गया तो वहाँ से ब्लॉक हो जाएगी। और वो
जब जंग लग जाता है तो वो कमज़ोर हो जाती है और वो फट गई तो ब्लीडिंग हो जाएगा। हाँ तो हेमरेज क्यों होता है यहाँ पे ब्रेन में कि साहब स्ट्रोक हो गया, कोमा में चला गया, क्यों होता है? क्योंकि उसकी आर्टरी में जंग लग गया और वो आर्टरी वीक हो गई और जैसे ही आपने कोई काम किया ब्लड प्रेशर बढ़ा, फट गया। ओके या फिर उसके अंदर जमा होने लगा, थ्रम्बोसिस हो गई और उसकी जो ब्लड सप्लाई है आगे की बंद हो गई तो थ्रम्बोसिस हो गया। सर अगर हमने अपने कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान नहीं दिया, इसे नज़रअंदाज करते रहे, अपना लाइफस्टाइल और खान पान नहीं सुधारा तो हार्ट की बीमारी और बीपी के अलावा और कौन कौन सी बीमारी उस इंसान को हो सकती है? देखिए सबसे बड़ी बात तो इम्यूनिटी लो हो जाएगी। हाँ हमारी जो इम्यूनिटी है वो फैट की वजह से ज़्यादा है क्योंकि सेल्स को ज़रूरत है इसकी। तो जब आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, जैसे हमारा देश है भारत, उसकी इम्यूनिटी क्या है, हमारे देश की में चार तरफ सेनाएं लगी हुई हैं। हाँ और एक सेना जो है सेंटर में कमांड और बॉर्डर पे है, ये इम्यूनिटी बिल्कुल ऐसी है। तो अगर हम यहाँ पे एक ज़रा सा चोट लगती है या कोई वायरस, कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया कोई आता है तो तुरंत यहाँ पे ना WBCs आ जाती हैं। हाँ। वो एक तरह का सैनिक होते हैं। यहाँ पे देखा होगा आपने सूजन हो गई, रेड हो गया, वो लड़ाई चलती है वहाँ पे जी। और उसके बाद वही उसी को इन्फ्लामेशन कहते हैं। हाँ। जिसके अंदर लाल हो गया, स्वेलिंग हो गई और पेन हो गया, तीन चीज़ें होती हैं इन्फ्लामेशन की है। अब ये फिर धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी है उसको मार देती है और फिर बॉडी, इसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, दैट डिपेंड। जितने वायरल फीवर हैं, सब अटैक हैं वायरस के, उनको ठीक कौन करेगा, हमारे अंदर की इम्यूनिटी, चाहे वो डेंगू फीवर हो, कोरोना फीवर हो, अब दुनिया भर के मंकी पॉक्स हो, चिकन पॉक्स, ये सब हमारी इम्यूनिटी से ठीक हो जाते हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं। आपने कोरोना में देख लिया कोई ट्रीटमेंट है? नहीं नहीं। और कोरोना में जितने लोग, ज़्यादातर लोगों की डेथ हुई है वो उन्हीं की हुई है जो बीमार रहते थे, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं, जो लोग बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं, जो लोग डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं, जो लोग थायरोक्सिन की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें दवाई क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर फैट की कमी है। तो एक ही सूत्र से आप सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सर मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था तो वहाँ ये भी लिखा था कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी किडनी भी डैमेज हो सकती है। देखिए सर, ये जो आप सेल्स, तो सारे हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो एक छोटी सेल से होता है। हाँ। जिसको हम जायगोट कहते हैं जी। माँ के पेट में अंडाणु आया, उधर शुक्र आया, दोनों मिल गए और एक जायगोट बन गया। फिर एक ही सेल बना, एक सेल के 2 हो गए, 2 के 4, 4 के 8, ऐसे बच्चा बन गया। तो उसका सेल डिफरेंशिएशन हुआ। सूत्र तो एक था, बीज तो एक ही था ना। तो वो जो सेल हैं वो सारे बन गए, कुछ आपके किडनी बन गई, कुछ आपका लीवर बन गया, कुछ आपका हार्ट बन गया, कुछ लंग्स बन गया, कुछ ब्रेन बन गया, तो अलग अलग सेल बन गए। अब ये अलग अलग सेल का जो सूत्र है, जो उसकी माँ है, वो तो एक ही है। हाँ। तो जब कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा, उसने सारे सेल पर इफेक्ट डाला तो आपका किडनी पर भी डालेगा। तो सिस्टम तो एक ही हुआ। हाँ, तो पूरे अंदर सब कुछ आप इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए हमारे आयुर्वेद में खंडित कहीं शब्द नहीं इस्तेमाल होता जी। वहाँ ये नहीं है कि आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, इसके पास चले जाओ, हार्ट के पास चले जाओ, गैस्ट्रो के पास चले जाओ, वहाँ ये नहीं है। वहाँ ये सम्यक चिकित्सा है जो एक साथ करेंगे तो बॉडी के सारी चीज़ों को ठीक होंगे। बाल भी रुकने टूटने बंद हो जाएंगे, बस्ती हम यहाँ से करते हैं, बाल यहाँ से ठीक हो जाते हैं। हाँ सर, कोलेस्ट्रॉल पूरी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा है, हमारे खान पान से जुड़ा है। अगर हम नियमित तौर पर अपना डाइट रखेंगे ना तो कोलेस्ट्रॉल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा आपने कहा कि आज से कई साल पहले होता था, जो हमारे दादा दादी या पूर्वज रहे होंगे, जब कोलेस्ट्रॉल दवाई से ठीक नहीं हो सकता तो फिर कोलेस्ट्रॉल की दवाई लिखी क्यों जाती है? देखिए सर, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। जब कोरोना दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता तो दवाइयाँ दी क्यों गई? हाँ, मैं एक गोली का, एक दवाई का नाम लेता हूँ और आप लोग सब मेरे जो प्रबुद्ध दर्शक हैं वो रेमडेसिविर के बारे में जरूर सर्च कर लें। रेमडेसिविर एक ऐसी दवाई थी, एक्सपेरिमेंटल दवाई, कितनी दी गई थी कोरोना के समय में, लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, 70,000 रुपए खर्च किए, एक्सपेरिमेंटल ड्रग, एमरजेंसी यूज ड्रग। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप रेमडेसिविर के बारे में साइड इफेक्ट जरूर देखें। और यही नहीं, इसके अलावा जो भी दवाई आप खा रहे हैं, एक का आप देखेंगे ना। हाँ। जब
एक चावल की बोरी है, गेहूँ की बोरी है, उसमें धुल लगा हुआ है, तो थोड़ा सा निकाल के देखने में पता चल जाता है, सारा घुसने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा निकलने में पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं और क्या हमें सिखाया जा रहा है और क्या हो रहा है। मतलब हम आपको ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप दवाई मत खाओ, हम ये कह रहे हैं कि आप जो भी खा रहे हो एक बार देख लोगे उसके आपको नुकसान क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसीज में तो दवाइयाँ जरूरी है। बिल्कुल, हम तो एलोपैथी डॉक्टर हैं, हम तो करते हैं। हाँ जी। और हमारे को बैलेंस बनाना पड़ता है कि भाई इसको इतनी डोज में देना है, इतनी नहीं देना है, बैलेंस बना के, क्योंकि दवाई भी जरूरी है, क्योंकि और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, आप अपनी लाइफस्टाइल और खानपान से अपनी लाइफ को, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा है ना तो डॉक्टर को तो दिखाना ही है, दिखाना है और उसकी समझ के हिसाब से तो ट्रीटमेंट होगा। हाँ, डॉक्टर की समझ के, मतलब घर पे खुद डॉक्टर ना बने। खुद एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ देते हैं, लेकिन वो दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल होती है, लेकिन जल्दीबाजी में तो हम तलवार नहीं चला सकते ना। हाँ। कि नहीं उसे जल्दी ठीक करना है तो ज्यादा डोज दे दी तो मार दिया उसको, तो अब इसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। सर, ये तो हो गई कोलेस्ट्रॉल की बात की, ठीक है हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं केवल अपने खान पान से, जब ज़्यादा बढ़ जाए तब अलग डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, लेकिन हमारा खान पान और हमारे लाइफ स्टाइल इसे पूरा कंट्रोल कर सकता है, तो फिर किस लाइफ स्टाइल को अपनाया जाए, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत बड़ा है। पिछली मैंने वीडियो बनाई डायबिटीज़ की जी, और बहुत सारे लोगों ने मैं फ़ोन किया है जी, और मैं चाह रहा हूँ कि अब ये तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमको पैसे जमा करना है। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, हम सरस्वती को ज़्यादा महत्व देते हैं, लक्ष्मी को कम देते हैं जी, क्योंकि सरस्वती जो ज्ञान है, और ज्ञान आपको हम ये सिखाते हैं कि आप भी ज्ञानी कैसे बन सकते हैं, आपके पास पूरा एक चैनल है, पूरा इंटरनेट है, आप उसको सर्च करो, मैं क्लू देते हैं जी कि आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में सर्च करो, आप रेमडेसिविर के बारे में सर्च करो, सब करो। अब इसके लिए जो लोगों ने कॉल किया तो मेरे मन में यही है कि एक साथ हम एक ये वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इन तीन चीज़ों को लेके किस तरह से मैनेज किया जाए, तब मैं आपको पूरी लाइफ स्टाइल, उसको क्या खाना है, सुबह शाम तक का रूटीन कैसा होना चाहिए, फिजिकल प्लेन में भी और मेंटल प्लेन में भी, वो मैं बताऊँ। लेकिन सर फिर भी हम एक रफली आइडिया चाह रहे हैं कि वो क्या क्या चीज़ें वो अपनाएं। देखिए, रफली आइडिया तो ये है, सबसे पहले तो नॉलेज, आपके सामने जो भी खाना रखा है आप नॉलेज लो कि मेरे को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसके बाद में ये है कि कम खाएं, ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये तो हमारी थाली में लगता है, ये दाल भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, सलाद भी है, लेकिन ओवर ना खाएं, ज़्यादा ना खाएं। और कोई मेहमान आ रहा है या आप किसी के यहाँ गए, उसने बहुत सारी चीज़ें रख दी, ये नहीं कि पट 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 ये भी खा लिया वो भी खा लिया, नहीं, सोच सोच के खाओ, स्वाद लेके खाओ। तो ये बैलेंस बनाना तो आपका काम है, लेकिन पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर कुछ खाना सुझाते हैं वो एक बड़ी बात हो जाएगी, और साथ में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और एक्सरसाइज तो कोई सी भी कर सकते हैं, कोई सी भी करो, जैसे भी आपकी हो, क्योंकि हम लोग बने ही हैं मेहनत के लिए। अभी तो समय चेंज हो गया ना, एक समय तो सबको, चाहे महिलाएं थे, बच्चे थे, पुरुष थे, खेती करते थे, बाहर जाते थे, कुछ घर के अंदर इतने काम होते थे, सब मेहनत करते थे, लेकिन अब वो मेहनती हो गया बंद, जोमेटो आ गया खाना आ जाता तुरंत, तो खाना बनाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मसाले भी कूटने पड़ते थे, आटा ही बनाना पड़ता था जी, एक समय ऐसा था। और ये हमने बचपन में ही देखा है, अपनी दादी मामा को देता है, वो आटा पीसती थी। सर, कोलेस्ट्रॉल आपके पास काफ़ी पेशेंट आते होंगे कोलेस्ट्रॉल के, तो एक डॉक्टर के तौर पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप क्या बताना चाहेंगे, कितने टाइम में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल तो सबसे बड़ी बात है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी है ही तो मैं क्या बताऊँ। अब हाई डेंसिटी लिपिड्स है, बहुत अच्छे हैं, आप घी खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है। मैं हैरान हूँ कि कोलेस्ट्रॉल घी खाने से क्यों कम हो गया, क्योंकि उसने बैड कोलेस्ट्रॉल को हटा दिया। जो मात्रा है हमारी बॉडी के अंदर वो इतनी एक्सेप्ट करती है जितनी उसके लिए चाहिए, बाकी वो निकाल लेती है जी। जो 250 मान के चल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को, इससे ऊपर हो गया तो खराब। लेकिन क्या होता है कि आपने ज़्यादा ले लिया अगर, तो हमारी बॉडी उसको बैलेंस कर लेगी। जैसे शुगर है, अगर मेरी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा अच्छी है तो हम जितना खा लें बैलेंस आ जाएगा। सेम चीज़ कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है, अपने आप बैलेंस हो जाता है, हो जाता है। वैसे सर लेवल क्या रहना चाहिए कोलेस्ट्रॉल? लेवल तो यही है जो इन्होंने बता रखा है, जितना कि 250 और ये इतना है, इतना 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 ही नॉर्मल रहना चाहिए, तो मैं इसको मान के चलता हूँ। और सर बाकी आजकल जैसे मैंने आपको कहा था कि लाइफस्टाइल में कोल्ड ड्रिंक्स, ये पैकेट बंद चिप्स
और फास्ट फूड, जंक फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तेल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं लोगों की लाइफ में। कई कई जगह तो ऐसा है कि लोगों की शुरुआत ही सुबह तले भुने खाने से होती है, सुबह सुबह तले हुए पराठों से, वो भी तेल के पराठे। तो सर किस लेवल पर ये चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती है? कोलेस्ट्रॉल पर, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सारी है। इसका सारा तो आंसर एक ये सिंपल है कि अगर आप लो डेंसिटी फैट्स खा रहे हो, अगर आप रिफाइंड ये खा रहे हो, तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा बढ़ेगा। चाहे पराठे हम देसी घी के खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सरसों के तेल में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तिल के तेल, नारियल के तेल में इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत। लेकिन हाँ, जो ये नेचुरल फैट्स हैं, जब हम इनको कढ़ाई में डाल देते हैं या होता है, तो वो जो है सैचुरेटेड हो जाते हैं। इसलिए जो है एक बार कढ़ाई में तली हुई चीज़ों को, उस तेल को दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब एक बार जो तेल इस्तेमाल हो गया, उसे दोबारा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हम घर पे क्यों ना हो। तो जनरली ऐसा होता है। अब होटल वगैरह में ऐसा नहीं होता, वो एक साथ खूब सारी चीज़ें बनाई, वो तेल रखा हुआ है, शाम को इस्तेमाल कर देंगे, अगले दिन इस्तेमाल। तो आप उतना ही तेल लो या घी निको जितनी आपको उस समय की ज़रूरत है, खाना बनाया, खाया, चल दिया। बिल्कुल। और सर आपसे बस लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप स्टार्टिंग में कह रहे थे ना फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये क्या चीज़ है? ये क्वेश्चन क्या है कि देखिए, तीन गुण हैं प्रकृति में, प्रकृति में सत, रज और तम जी, या आयुर्वेद में आएंगे तो वात, पित्त और कफ जी। अब हम आयुर्वेद की तरफ चलते हैं, तो वात वायु, पित्त अग्नि और तम जो है वो आपकी पृथ्वी, जो एक सॉलिड चीज़ है। हाँ जी, है ना। पित्त जो है अग्नि है, जैसे सूरज से साथ, और वायु जो हमारी चल रही है, ऐसी घी जो है वो पित्त है। और इस घी को अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर आप जोड़ दो, तो महेश क्या है? वो पृथ्वी है, बैठे रहते हैं चने, हैं जी। और विष्णु क्या है? वायु है, वो काम कराती है, आप काम कर रहे हो दिन भर, तो दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, संसार को चला रहे हो विष्णु। और ब्रह्मा अग्नि है, अग्नि है, अग्नि का देवता है, वो सरस्वती है, वो ज्ञान है, वो क्रिएटिविटी है, नई नई चीज़ें बनाना है। तो आप फैट को ब्रह्मा भी कह सकते हैं, हैं, और प्रोटीन को आप शिव जी कह सकते हैं, और उसके बाद क्या, कार्बोहाइड्रेट को आप विष्णु जी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ मीठा नहीं खाएंगे तो हम कुछ काम भी नहीं कर सकते, संचालन नहीं हो पाएगा। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ओके, ये तीन ही। और ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारा जो ये संस्कृति है ना, बिल्कुल पूर्ण तरह वैज्ञानिक है, ये होलिस्टिक नहीं है, ये ट्रुथ है, ये ज्ञान है। इसीलिए आप इन्फ्लामेशन के अंदर भी तीन चीज़ें आती हैं, उसमें वात, पित्त, कफ है, उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया। और ये चीज़ हमारे अंदर भी है, हम में भी तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर मैं महेश का काम करूँगा तो जी, विष्णु का काम करूँगा तो मेंटेन, हैं, और ब्रह्म का मन मानना क्रिएटिविटी, क्रिएटिव। हर मनुष्य के अंदर ये तीन गुण होते हैं, वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, कफ। इसी से पूरा संसार चल रहा है जी। और इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? हम खुद बैठे हुए हैं सर, इंसान खुद बैठा है, इंसान खुद बैठा हुआ है। उसको चाहे तो ये सामने जितना जंगल है उसको काट के फेंक दे, या फिर जंगल उगा दे, या फिर जो जंगल है उसमें पानी दे दे। विष्णु बन गया, पानी दे दिया, काट दिया, संहारक बन गया, लगा दिया तो ब्रह्मा बन गया। तो निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर है, कौन सा निर्णय हमें लेना, ये विवेक बुद्धि, ये ज्ञान आप यहाँ आके बैठ गए, हम आपको बता रहे हैं, और आप लोग भी दर्शक को, दर्शक देख रहे हो, इसको समझो, थोड़ा चिंतन मनन करो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है और यही योग है। ये सांस चलाना और ये सब कराना योग नहीं है, ये ज्ञान योग है, ज्ञान योग। गीता में इसीलिए कहा है कि ज्ञान योग हमेशा स्थिर होता है जी, भक्ति योग अस्थिर होता है। जो ज्ञान योग के विवेक बुद्धि पे आ जाते हैं, वो समर्थ हो जाते हैं, वो पैरों पे चलते हैं, उनको कोई जल्दी से हिला नहीं सकता, स्थिरता आती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ज्ञान है, ज्ञान है। तो आज का ये ज्ञान है कि जो घृत है, जो स्नेह है, वो हमारी बॉडी को स्थिर करता है, क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, स्नेह जो हमारे सेल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, जैसे ये ईंट है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, सेल्स हैं, उनके बीच में जो ये सीमेंट है, ये समझ लीजिए फैट है, ये एक दूसरे को जोड़ रहा है, ये है स्नेह है। सर इससे मुझे एक चीज़ याद आई, मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसा आपने कहा फैट गुड और बैड, कोलेस्ट्रॉल,
क्या कोलेस्ट्रॉल घटने से, बैड कोलेस्ट्रॉल से हमारे जॉइंट्स में पेन होता है? कोलेस्ट्रॉल घटेगा ही नहीं कभी जी, बॉडी में कभी कोलेस्ट्रॉल घटता ही नहीं, वो पूरा कर लेता अपना खाने और अगर बढ़े अब वही तो बढ़े तो वो भी उसको बैलेंस कर लेगी बॉडी, अगर आपने सही तरीके के फैट ले रहे हो। नहीं, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है तो क्या जॉइंट्स पेन होंगे उंगलियों में, हाथों में, कोहनियों में? ये तो बताया मैंने कि इन्फ्लामेशन अगर रहेगा तो ये जोड़ों में दर्द, कोहनियों में दर्द, ये तो इन्फ्लामेशन की वजह से है ना। तो जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने डायबिटीज़ के बाद हमें अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ जाना होगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और सर की बातों को अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं तो हमें ना अपने वात, पित्त और कफ, इन तीनों को कंट्रोल रखना है अपनी डाइट से। हमें नेचुरल चीज़ें लेनी है, अगर तेल भी आप खा रहे हो, अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हो, तो केवल नेचुरल, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव ना हो, कोई केमिकल ना मिला हुआ हो। और अगर घी हो तो घी भी देसी हो, लेकिन ये भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना है। और ध्यान रहे, जब आप एक बीमारी के लिए अपनी लाइफस्टाइल और खान पान को बदलते हैं तो उस एक बीमारी को ठीक करते हुए आपकी दूसरी बीमारियाँ भी ठीक होने लगती है, चाहे वो आपके शरीर की कोई सी भी बीमारी हो। तो इसी तरह से हम आपको हेल्थ की नॉलेज देते रहेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से, और जितना सर के माध्यम से पॉसिबल होगा वो नॉलेज आप तक लाएंगे, ताकि आप घर पे बैठे अपने आप को काफ़ी हद तक स्वस्थ कर सके, इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। हमारी कोशिश यही है कि हम आपको प्रॉपर नॉलेज देते रहें, लेकिन ध्यान रहे कि आप घर पर बैठकर पूरे डॉक्टर ना बने। जब प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर की देखरेख में ही और उसकी कंसल्टेंसी के अंदर ही सब कुछ करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं हेल्थ से जुड़ी बनाऊँ उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे, और आप भी घर बैठे बैठे इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।